पेन रिलीफ एंड पेन मैनेजमेंट अपने दर्द, क्रॉनिक दर्द यानी वो दर्द जो 3 से 4 महीने से ज्यादा चले, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर वजह से जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, फॉलेज का डर, जब आप फर्क आ जाएगा। पर जैसे आपने अभी ब्रेक में कहा था कि किसी की एक कॉल ले लेते हैं। जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बिल्कुल जी। टीवी की आवाज हल्की कर दीजिए, फिर बात कीजिए। आवाज मैंने बंद की हुई है जी। आज ही बोल। नहीं नहीं, आप उनको बता दीजिए ना, वकार साहब उनको बता दीजिए। 031 हम प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। एग्जैक्टली, दे दे। लेकिन प्लीज उनका नंबर बताए बगैर, उनको इनका नंबर प्लीज डोंट लेट हिम हैंग अप, ताकि उनकी वाकई वो लग रहा है कि इनसे आप जरूर बात कीजिएगा। क्या वजह क्या है? बिकॉज इनके लाइफस्टाइल यानी कि ड्राइविंग वगैरह क्या जो पेनफुल होती है, दे डोंट हैव टू बी पेनफुल। खास तौर पे अगर आपको कोई तकलीफ 3-4 महीने से ज्यादा हो रही है, कोई पेन हो रहा है, तो उसको एक क्रॉनिक बीमारी समझा जाता है और उसका बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्टिंगली जो पेन, बिकॉज ये तो सारे डॉक्टर्स का काम नहीं है कि आपको पेन ठीक करें। बिल्कुल। क्रॉनिक पेन, अगर इसको सिंपल टर्म्स में हमारे लोगों को आप समझाएं, क्योंकि हर तरह की तकलीफ का इलाज आप नहीं करते। नहीं, असल में इंटरेस्टिंगली मैं, आप, हमारी सारी ऑडियंस, इधर जितने कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब ना समझ पाते हैं इस बात को, थोड़ा फिर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, एक दो साल के बाद। पर्सन इज ऑलवेज इन पेन। सो लेट्स जस्ट टेक अ वेरी क्विक ब्रेक एंड देन वी विल बी राइट बैक। गुडनेस के कुछ लोग हैं क्रॉनिक जो दर्द जो लंबे 3 से 4 महीने से ज्यादा चल रहे हो, जिस तरह माइग्रेन होता है, जिस तरह कमर के दर्द होते हैं, घुटने का दर्द, और जो नर्व से या सियाटिका रिलेटेड होते हैं, इसका व्हेन इज द राइट टाइम कि आपके पास एक बंदा आए कि आई एम अ पेशेंट ऑफ दिस पेन और मुझे इसकी इलाज की जरूरत। तो जितना जल्दी ट्रीट करेंगे किसी भी बीमारी को, right. वो जल्दी ठीक हो जाएगी। Absolutely. ठीक और उसको जितना इग्नोर करेंगे वो लिंगर करेगी, का रोल अदा करते हैं। दे टेल यू दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, इट्स काइंड ऑफ योर बॉडी इन योर ब्रेन मैसेज, जो वो उनको पेन फील ही नहीं हो रहा तो वो आगे बता भी नहीं सकते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग। हम बताता है उसका कोई फायदा नहीं है, राइट? यानी क्रॉनिक पेन में हमारे दिमाग के सेल में चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है। जिस तरह से मिर्गी में या पार्किंसंस डिजीज में हमारे न्यूरॉन के केमिकल्स में तब्दीली आ जाती है। ठीक। ओके, तो इट इज रियलिटी है। हाँ, वो एक साहब की कॉल है। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। मेरे को एक क्रॉनिक पेन का मसला है जी साहब, और ये तकरीबन 3-2.5 साल हो गए उसको ना। तो ये मेरी जो लेफ्ट वाली टांग है ना, इससे जो शुरू मतलब पंजा जो है। अच्छा, टीवी की आवाज हल्की कर दें, टीवी की आवाज बंद कर की है। टीवी की आवाज जी, अब बताइए। मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए हैं ना इस क्रॉनिक पेन की में, लेकिन मैं कभी डॉक्टर को नहीं दिखाता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि इन्हें से अगर मुसलसल आपको किसी जगह में दर्द हो रहा हो तो ये एक बीमारी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब ये इसको एक रियलिटी समझें कि इट इज एन एक्चुअल इलनेस एंड यू डोंट हैव टू लिव विद दैट पेन एनी लॉन्गर। उसका इलाज बहुत जरूरी होता है, वरना इलाज ना करवाने से, उस दर्द के साथ रहने से आपको नुकसान काफी होगा। तो इसी तरह माइग्रेन में अगर महीने में 3 दफा से ज्यादा हो तो उसमें एबॉर्ड से होता है। दैट इज समथिंग टू बी क्वाइट कंसर्न अबाउट। ज़किया की कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे डॉक्टर से ये क्लियर करना था कि मुझे आधी रात को सर में जब मैं सो के उठती हूँ या एनी टाइम में सो के जब उठती हूँ तो मेरे सर में, आधे सर में शदीद दर्द होता है, उसी आंख में भी बहुत ज्यादा पेन होती है, और थोड़ी देर के बाद फिर वो मेरे लेफ्ट आईज में दर्द शुरू हो जाता है, लेफ्ट साइड में, और इतना शदीद होता है वो आंखों में तकलीफ, इतनी शदीद और इतने सर में कि मेरा बर्दाश्त से बाहर रह जाती है। तो फिर मुझे डॉक्टर साहब ने एक टेबलेट सजेस्ट की थी, कलजेजिक। दिमाग में, सर में दर्द होती है शदीद किस्म की, किसी चीज से शुरू होती है आपको देखिए, मतलब कोई धूप वगैरह में ज्यादा निकले या खाना वक्त पे ना खाए, इन चीजों नहीं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह नहीं होती है।
ये है कि सिर्फ जब सो के उठती हूँ या एनी टाइम किसी वक्त मुझे अचानक शुरू हो जाती है।